बचपन बेफिक्री में गुजरा, जिम्मेदारियों में गुजरी जवानी, बुढ़ापा गुजारना था संग तुम्हारे बच्चों, ना तुम निभा सके अपनी जिम्मेदारी। तीज त्योहार मिलकर हमने साथ मनाए थे, हमने ही तुम्हारे संग वो दिए जलाए थे। हाँ याद है मुझे बेटा आज भी वो जिद तुम्हारी, जब रो रो कर तुमने वो पटाखे मंगवाए थे, जब रो रो कर तुमने वो पटाखे मंगवाए थे। माँ बाप से ही तो जिंदगी होती है, माँ बाप से ही तो बच्चों की जिद होती है। और ये माँ बाप ही तो होते हैं जो बच्चे से दुत्कारने के बाद भी उनके मोह में होते हैं, उनको कभी भूल नहीं पाते, उनको कभी बुरा नहीं कहता। भले ही इनके बच्चे इन्हें बुढ़ापे का बोझ समझ वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, साल दर साल बीत जाने के बाद ये लोग यहीं के हो जाते हैं। हर एक खुशी हो या फिर गम, तीज हो त्योहार हो, सब साथ मिलकर मनाते हैं, फिर भी ये अपनों को भूल नहीं पाते। आज दीपावली है, दीपावली भी ये लोग मना रहे हैं, खुशियां बिखेर रहे हैं। इनकी खुशियों में थोड़ी मिठास भरने जेके 24/7 न्यूज इनके बीच पहुंचा। आज जेके 24/7 न्यूज मना रहा है अपनों के संग दिवाली। तो आज की दिवाली जेके 24/7 न्यूज वृद्धाश्रम में मना रहा है, और आज हम लगातार आपको इस वृद्धाश्रम की चीजें दिखा रहे हैं, कैसे ये लोग दीपावली मनाते हैं। और इस वक्त अंदर जो दीपावली की तैयारियां चल रही हैं, उनसे आपको हम रूबरू कराएंगे कि किस तरह से वृद्धाश्रम में ये लोग रंगोली बना रहे हैं, और इनकी आंखों में वो चमक नज़र आ रही है जो अपने से बिछड़ने के बाद, कई बरस के बाद, अब जो दीपावली ये लोग यहाँ कई वर्षों से मना रहे हैं, उसके बाद इनकी आँखों में वो चमक नज़र आ रही है। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं इन लोगों से, और कैसे ये लोग रंगोली मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, आपको हम मिलवाते हैं। आइए, जी हाँ, अपनों संग दिवाली मनाने हम वृद्धाश्रम पहुंच चुके हैं। हम अपनों के बीच पहुंच चुके थे, वो अपने जो पराए होकर भी अपने थे। हमें देख सभी के चेहरे खिल उठे, जो शायद अपनों से बिछड़कर गुमसुम थे, आज वो भी मुस्कुरा रहे थे। कुछ उदास अपनी ही सोच में थे, आज दिवाली के मौके पर बाहर से कुछ लोग इनके अपनों से मिलने भी आए थे। वो सभी जेके 24/7 न्यूज के साथ दिवाली मनाने को बेताब थे। फूल, गुलाल, रंग सब तैयार था, क्योंकि दिवाली पर रंगोली सजने को तैयार थी। तो रंगोली बनकर तैयार है, और इस वक्त जो लोग हैं वो रंगोली मना रहे हैं। दीपावली का जो त्योहार है वो किस तरह से मनाया जा रहा है वो आप देखिए। कुछ सामाजिक संस्था हैं, उनके साथ मिलकर दीपावली का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए, इन चीज़ों को देखिए कि किस तरह से रंगोली मनाई जा रही है। रंगोली बनाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब चेहरों के जरिए इस चीज़ को देखिए कि किस तरह से आज भी ये लोग खुश नजर आ रहे हैं। हम दिवाली मनाने अब साथ में थे, अपनों की खुशियां देखते ही बन रही थी। रंगोली का कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया। हमारे साथ सामाजिक संस्था के कुछ अन्य सदस्य भी थे जो ये दिवाली इन अपनों के साथ मना रहे थे। फूलों से,
रंगों से रंगोली बनना शुरू हुई। चेहरों पर खुशियां हम देख पा रहे थे, जो अब आप भी देख रहे हैं। बुजुर्ग अम्मा अपने हाथों से रंगोली बना रही थी, कभी दिए में रंग भरती तो कभी अपने रंगों और गुलाब के पंखुड़ियों से रंगोली बनाकर तैयार कर रही थी। और दिए में रंग भरते हुए अम्मा के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक इस दिवाली को और ज्यादा खुशनुमा कर रही थी। रंगोली की तैयारियां जोरों पर। तो JK247 न्यूज आज इन लोगों के साथ दीपावली मना रहा है और भव्यता आप देख सकते हैं। दीपावली से पहले रंगोली बनाई जा रही है, तैयारियां पूरी चल रही हैं, दिए रंगे जा रहे हैं, रंगोली बनाई जा रही है। रंगोली की आप सुंदरता देख सकते हैं और देखिए इनकी आंखों में भी आप देख रहे हैं और हाथों की कला खुद ब खुद आप देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर दीपावली का ये कार्यक्रम चल रहा है, धूम चल रही है, वो अपने आप में ही बहुत कुछ दिखा रहा है। और आज यही एक कारण है कि हमने ये सोचा कि आप लोगों के साथ दीपावली तो मनाई जाए। अम्मा तो रंगोली बना रही हैं, उनको यहाँ हमारे साथ दिवाली में खुशी मिल रही है। रंगोली लगातार बनाई जा रही है, एक और अम्मा से हम मिले, उनकी भी खुशी देखी। नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कब से आप यहाँ पर हैं? एक वक्त बारह मास। अच्छा, काफ़ी वक्त हो गया आपकी। आप दीपावली का ये त्यौहार है, कैसे मनाया जा रहा है, कैसे आपको लगता है यहाँ पर मना रहे हो? बढ़िया। खुश है आप? खूब खुश। बढ़िया खुश। और ये क्या हो रहा है? एक लोग प्रदीप दीपावली दीपावली मना रहे हैं। और ये दरअसल जो दिए हैं, दिए को रंग रहे, अलग अलग तरह के रंगों से रंगा जाएगा और ताकि खूबसूरत और नज़र आए। देखिए गुलाबी, हरा, लाल, अलग अलग तरह के जो रंग हैं और उनसे इन दियो को रंग कर हम सब मिलकर इनके साथ दीपावली मना रहे हैं। इन सब के साथ एक कंपनी से कुछ लोग भी हमारे साथ दीपावली मना रहे हैं, वो भी JK247 न्यूज और इन लोगों के साथ दीपावली मनाकर खुश हैं। हम एक कंपनी से आए हैं, हमारी आईटी कंपनी है और हम हर मंथ एक ऐसा एक्टिविटी रखते हैं जहाँ पे हम एक ओल्ड एज होम या इस ऐसे जगह पे जाते हैं और कुछ एक्टिविटी कराते हैं, हमारी कंपनी कराती है बेसिकली। अच्छा, तो आप जिस कंपनी से हैं वहाँ पर अब दीपावली का जैसे त्यौहार था तो अब आपने ये सोचा कि ओल्ड एज होम यहाँ आकर इन लोगों के साथ मनाया जाए, किस तरह से आपको लग रहा है, फील क्या हो रहा है? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारी पूरी टीम बहुत ही अच्छे फील कर रही है यहाँ पे आके। यहाँ का नो डाउट यहाँ पे बहुत परेशानियाँ हैं बट जो फीलिंग है यहाँ की वो बहुत अच्छी। परेशानियों के बीच में इन लोगों के जो खिलते चेहरे हैं वो बहुत कुछ मोटिवेट करते, बहुत अच्छा दिखते हैं और यही लाइफ का एक अलग नज़रिया दिख रहा है कि ये लाइफ जो हमारा बहुत हैपनिंग कूल हम यंग में सोचते हैं और लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है, तो हमें भी अपने लाइफ में से टाइम निकाल के इनके लिए कुछ करना चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये दूसरा पहलू है। दरअसल एक जवानी होती है और एक बुढ़ापा होता है, लेकिन बुढ़ापे में भी कुछ लोग जब जिनको माँ बाप को छोड़ देते हैं बड़े बदनसीब होते होंगे। वाकई वो लोग बहुत बदनसीब होते हैं जो अपने ऊपर से बुजुर्गों के साए को यूं ही तन्हा छोड़ देते हैं। आज JK247 न्यूज इन तन्हा बुजुर्गों संग दीपावली का ये त्योहार मना रहा है, इनके साथ खुशियां बांट रहा है। रंगोली तो बनकर तैयार थी लेकिन साथ ही अपनों के लिए इस दीपावली पर खास लंच का भी इंतजाम था। खाने में छोले चावल के साथ साथ पूड़ियां और पापड़ भी थे। आज दीपावली जो है, हमने खुद अपनों को खाना खिलाया, थाली में खाना परोसा और इस खाने के बाद रंगोली के कार्यक्रम को आखिरी टच भी देना था।
तो लंच खत्म हो गया था, लेकिन उसी बीच हमें इस गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम के संस्थापक डॉक्टर भगत जी मिल गए। उनसे मुलाकात हुई जो एक बेहतरीन थी। यहाँ के संस्थापक डॉक्टर भगत सर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और आपको और इस वृद्धाश्रम के बारे में बताते हैं कि आखिर इसकी उपज कैसे हुई और फिर आज ये कहाँ पर पहुँचा है। भगत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके ट्वेंटी फोर। धन्यवाद भगत सर। ये वृद्धाश्रम काफ़ी वर्षों, तकरीबन 15 साल हो गए, कैसे इसका मतलब ख्याल आया था, फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ था, एक बार हमारे दर्शकों को पहले। ये लोग जो हैं ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से विकलांग हैं। मानसिक विकलांगता है, ये मेमोरी लॉस की याददाश्त इनकी ख़त्म हो जाती है, उसको डिमेंशिया बोलते हैं, अल्जाइमर डिमेंशिया, साइकिक प्रॉब्लम जो ओल्ड एज रिलेटेड मेंटल प्रॉब्लम होती है। फिर 2003 से आज 15 साल हो गए, हम लोग सड़क से उठा उठा करके इन लोगों को ले आते हैं, रोज का काम है। यहाँ पर वो भी लोग हैं जिनके घर वाले उनको छोड़ दिया है? नहीं, घर वाले तो सड़क पर छोड़ के जाते हैं, हम सबको सड़क से उठाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कोई यहाँ छोड़, घर वाला मुझे फोन जरूर करते हैं, बट उनको मैं समझाता हूँ कि इतना बड़ा पाप मत करो, बट जिन्होंने पाप कर ही दिया, अपने माँ बाप को सड़क पर फेंक दिया, उनको तो हम उठा के लाते ही हैं। त्यौहार को अगर देखना है हिंदुस्तान के, ऐसे तो त्यौहार बस एक दो दिन का होता है, अब वो प्रेम और चीज़ें चली गई, कहीं 100 लोग इकट्ठे नहीं होते। यहाँ तो 100 लोगों का ये परिवार है और हमारा दूसरा आश्रम वहाँ 200 लोग हैं, तो ये 100 लोगों के परिवार में जो है बड़ी धूमधाम से हर त्यौहार मनाया जाता है। तो दीपावली के मौके पर हम लगातार अपनों के साथ दिवाली मना रहे हैं। डॉक्टर भगत जी ने इन लोगों की बातें बताई तो वहीं रंगोली बनकर तैयार लगभग थी। तो रंगोली देखिए बनकर तैयार है और हम भी इस रंगोली अम्मा के साथ रंगोली बना रहे हैं। अम्मा, ये रंगोली आप पहले से बना रही हो कब, मतलब जवानी के दिनों में या फिर बचपन के दिनों में भी आपने बनाई होगी अपने घर में? हाँ, बनाया था। कैसे, मतलब दरवाजे के बाहर घर में अपने बाहर लीप के, अच्छा लीप कर बनाई है? पहले लीप कर बनाए जाते हैं, पहले लीप देते हैं फिर बनाते हैं। बनाओ, आप बनाते हैं। आज हम लीप कर नहीं, आज हम रंगों से रंगोली बना रहे हैं और यहाँ इस तरह से ये देखो रंगोली बनकर तैयार हो रही है, धीरे धीरे ये तैयार हो जाएगी। कुछ दिए भी यहाँ पर इस तरह से अमा हाँ बनाओ, रंगोली बनाते हैं और ये देखिए दिए भी कुछ बनकर तैयार किए गए हैं यहाँ पर, और ये जो सजाए गए हैं दिए और भी बेहतर तरीके से इनको सजाया जाएगा, बस रंग ना लगे। हाँ, बहरहाल तो आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ये जो लोग आप देख रहे हैं, इन लोगों को, ये उस कंपनी से आए हुए हैं जिसका भी जिक्र कर रहे थे, साथ में मेंबर्स हैं ये, और ये सब लोग मिलकर यहाँ पर दीपावली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, दियों को सजा रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। अब मैं आपको एक और रूप भी दिखाऊंगा। यहाँ आपने देखा कि किस तरह से अम्मा लोग जो हैं वो दियों को सजा रही हैं, रंगोली बना रही हैं। अब हम चलेंगे एक और जगह पर, यहीं पर दूसरे पहलू पर नज़र डालेंगे कि किस तरह से जो बुज़ुर्ग और लोग हैं यहाँ पर वो किस तरह से रंगोली बना रहे हैं, फूलों से अलग अलग तरह से सुसज्जित कर रहे हैं चीज़ों को, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। आइए आप हमारे साथ और अब एक और पहलू पर नज़र डालते हैं इस वृद्धाश्रम की, आइए हमारे साथ। तो ये रंगोली जो आपने देखी वो बनाई हमारी अम्मा ने। रंगों और फूलों से सजी ये रंगोली देखने में जितनी भव्य दिख रही थी उतनी ही इसमें मेहनत थी हमारे अपनों की। अम्मा ने मिलकर इस रंगोली को तैयार किया। अब हम आगे बढ़े और अब जो हमने देखा वो तो और ज्यादा भव्य था, क्योंकि ये दिवाली अपनों संग रंगोली वाली देखने को मिली। जो और बुजुर्ग यहाँ पर हैं उन्होंने भी रंगोली को तैयार किया है जिसका जवाब ही
तो अम्मा जिस तरह से रंगोली बना रही थी वो भी आपने देखा, लेकिन अब देखो आप लोग की किस तरह से ये लोग भी आज दिवाली के मौके पर रंगोली बना रहे हैं। और देखिए इनको देखिए और आप देखकर समझिए कि किस तरह से ये लोग दिवाली मनाते हैं। आज ये भी एक पहलू है इस वृद्धाश्रम का। और दिवाली में जिस तरह से हमने अम्मा को दिखाया कि वो कैसे दिवाली मना रही हैं, रंगोली बना रही हैं, और अब दादा लोग देखिए कि किस तरह से जो दीपावली का ये पावन पर्व है इसको मनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं अंकल, दिवाली का आज त्यौहार है, कैसा महसूस हो रहा है? दिवाली का त्यौहार सब लोग इकट्ठे होते हैं तब अच्छा लगता है, जैसा आज तो सब इकट्ठा ही है, इसलिए अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आपने खुद अपने आप बनाया, कैसा महसूस हो रहा है कि इसको किस तरह से फूलों को सजाया है, रंग बिखेरे हैं, दिए जल रहे हैं अभी? ये तो हम करते ही थे तो वो कॉमन बात है, कोई नई बात अभी नहीं है। और जैसे कोई हमारा मेहमान आए और हम उसको बिठा के इस तरह कोई चाय नाश्ता कराते तो ज्यादा खुशी होती है। समझ रहा हूँ। आप कब से हैं यहाँ पर? मैं 3 साल से। 3 साल हो गए हैं। 3 साल में 3 आपने दिवाली देखी होंगी, तीनों दिवालियों में कैसा महसूस होता है? इस बार की दिवाली अलग कैसे है आपके लिए? हर बार दिवाली में कोई नया होता है। जैसे अभी आप लोग आए, इससे पहले हम लकड़ी के तख्ते पर ऐसा मनाते थे। अच्छा, और पहले की दिवाली और अब 3 साल के बाद की दिवाली में क्या फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है, अब तो लोग भी बहुत हैं और नए नए तरीके से काम हो रहा है, वो बनाया सामने अभी हम बना रहे। यहाँ पर अब देखो दादा रंग डालेंगे और यहाँ पर देखिए ये सज चुका है लेकिन अभी ये खाली रह गया था तो ये अच्छा नहीं लग रहा है दादा को, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी अब रंग डाला जाए, यहाँ पर भी इसको सजाया जाए, बॉर्डर इसका किया जाए, जो भी चीज़ें रंग इसको यहाँ पर हम डालते हैं। ये अपने आप में बहुत अलग चीज़ें हैं और देखने में खुशी महसूस होती है। और इन लोगों के साथ जब आप इस तरह के पावन पर्व मनाते हैं तो वो खुशी जो है दोगुनी नहीं चौगुनी हो जाती है। तो दादा हैं, आइए आइए आगे आइए। दादा क्या नाम है आपका? मेरा एड्रेस कलेक्शन कलेक्टर है। मैं एड्रेस पर अपने मेहनत से मैंने अपना पढ़ाया है। अच्छा, पढ़ाया है मैंने। कहाँ से? ये अर्जेंसी। अच्छा, कोई नहीं, सप्ताह 2-3-4 से महिमा दिवाली का त्योहार हेडक्वार्टर। अच्छा, साथियों और मेरे दोस्तों, ये एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें हमने ये बोला कि जब हमारे भगवान श्री राम लंका से जीत के आए तो उसके खुशी में ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। और हम सब यही सोच के यहाँ बैठे हैं कि ऐसा पर्व रोज आए तो कितना सुंदर लगेगा। धन्यवाद आपको। तो दीपावली का त्यौहार हम मना रहे हैं, इन बुजुर्गों के साथ मना रहे हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण दत्त। किरण दत्त साहब, आप कब से यहाँ पर हैं? मैं 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, तो दीपावली 3 मनाई होंगी आपने यहाँ पर, दिवाली कैसी रही? बस बढ़िया होते हैं। कैसी? साहब को ऊपर
फुलझड़ी वगैरह जलाते हैं, मिठाई खाते हैं बस। इस बार की दिवाली कैसी? बस इस बार देखेंगे साहब तक पता चला जाएगा, ऐसे बड़ी होती है ज़्यादा। कहाँ से आप आए? मैं आसाम से। आसाम से, त्रिपुरा का। अच्छा ये बताइए एक चीज़ दादा, पहले की दिवाली और इस अब दिवाली 3 साल के बाद, यहाँ की दिवाली और घर की दिवाली में क्या फ़र्क नजर? घर की दिवाली तो वो डिफरेंस बहुत होते हैं भाई, इधर के तो माहौल हो गए, पटाखा नहीं बजा सकते। फिर घर में तो पटाखा वगैरह बजाते हैं, याद आता है। यहाँ तो बाबा लोग है, नहीं बजा सकते, फुलझड़ी वगैरह जला लेते हैं। घर की कभी याद आई ऐसे? घर की तो याद आता रहता, पर क्या करें, लचार है अभी। आश्रम भी घर की तरह हो गया ना अभी, पूरा परिवार की तरह है यहाँ पे, सब आपस में बात करते हैं, हंसी मजाक करते, टाइम पास हो जाते हैं। घर में आपके कौन कौन? घर में बस भाई है, बस कोई नहीं है। यहाँ कैसे पहुँचे आप? मैं मेरे शुगर की वजह से मेरा पाँव काटने पड़ रहा, सफदरजंग में एडमिट हुआ तो उन्होंने कहा भाई पाँव काटने पड़ेगा, तो पाँव काट दिए, तो रहने का कोई ठिकाना नहीं, कोई देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं, तो इनके गाड़ी जाते रहते हैं शाम के टाइम, तो उन्होंने मुझे उठा कर यहाँ पर ले आया। दिवाली जो है जब घर में मनाते थे तो कोई यादें अभी कैसी? घर में पूरा परिवार के साथ मनाते हैं, पटाखा बजाते हैं, मिठाई खाते हैं बस। इधर तो बस ऐसे ही है, फुलझड़ी वगैरह बजाएंगे, मिठाई खाएंगे बस, हो गया। बेटे वगैरह? हाँ जी। बेटे वगैरह? नहीं मैं शादी नहीं। अच्छा शादी नहीं की? 3 साल हो गए आपको? जी। लेकिन घर वालों के साथ दिवाली अच्छी थी या फिर यहाँ पर? नहीं वहाँ भी अच्छे थे, अब तो यहाँ भी अच्छा होने लगा है, अब भी अच्छा लग रहा है। और आज जैसे जिस तरह से दिए वगैरह जलाए, रंगोली बनाई, बहुत बढ़िया बनाई जी, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, आप दिवाली मुबारक, आपको भी बहुत दिवाली मुबारक, आप सबको दिवाली जी। इस तरह से और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे मिलते हैं। जिस तरह से हमने पहले भी मिलाया है, जब रंगोली बना रहे थे तब दादी से हमने मिलवाया था, और अब एक बार फिर से हम इनके साथ मिलते हैं। दादी फिर से हम आ गए आपके पास। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, पहले इस बार की दिवाली आपको कैसे खास नज़र आ रही, किस तरह? बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं भी नहीं हुआ ऐसे। आश्रम पहले आश्रम में हम आए थे, ये दीपावली बढ़िया मना रहे हैं। 7 महीने हुए आपको? 7 महीने हो गए। अच्छा घर की दिवाली जो थी, जो घर की दिवाली होती है आपकी, घर से बढ़िया यहाँ हो रही थी? अच्छा घर की, घर से बढ़िया बढ़िया हो रही। यहाँ पर आप कैसे आए थे? हम तो पुलिस वाला लेके आया। अच्छा क्यों? बाहर घर पर क्या हुआ? घर पे थोड़ा बहुत टेंशन था, बच्चे परिवार तो बैंगलोर गया, उसके बाद मैं बैठी बाहर रोती थी बीच में रोड में, थोड़ा पुलिस वाला लेके आया, सार के पास पहुंचा दिया। सार ने बहुत अच्छा, ठीक है रहने दिया जी, इलाज करेंगे, सार जी ने रख लिया। बात की तो अच्छा किया हमसे, एक ही बात, ज़्यादा बात नहीं कर सके हम लोग, थोड़ा सा बात किया। तो उसके बाद घर में आपके कौन कौन थे? हाँ जी घर पर कौन कौन था? हमारे बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, माँ है। कभी याद नहीं आते? आते हैं, अब क्या कर सकते हैं, रोना भी आता है, अब क्या कर, सार जी तो संभालते सबको। बेटे बेटियाँ? हाँ बेटा, 4 बेटा 4 बेटी है। 4 बेटी याद? फिर जैसे आज दिवाली आप मना रहे हैं तो क्या कभी? हाँ जी मैं दिवाली पहले रंगोली बनाई यहाँ आके, हमारे घर के बाहर करते थे, हम यहाँ आके आश्रम में पहले रंगोली बनी, कल भी बना था आज भी बना, तभी ठीक नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत। चलिए दीपावली की शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोग मिलके, मेरा खुश हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए दीपावली कैसे? दीपावली खूब बढ़िया बढ़िया खूब बढ़िया एवं खूब भलो लगल, আমি খুব আনন্দের সহিত দীপাবলি পালন করলাম। शुक्रिया। तो ये हाँ ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं जिनके जिनको आप देख पा रहे हैं, ये लोग किस तरह से दिवाली मना रहे हैं, घर से दूर हैं लेकिन फिर भी अब खुश हैं, और खुशी सबसे अहम चीज़ होती है जो आज इन लोगों को इस वृद्धाश्रम में मिल चुकी है। दिवाली आप लोगों को भी मुबारक। जय हिंद जय भारत।